शादी का झांसा देकर राजस्थान के एक युवक से धोखाधड़ी करने वाली महिला को जैन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान के ग्राम कुकरू में रहने वाला नवीन पिता हेमराज दहिया के साथ एक शातिर महिला सुनीता और सोनाली पिता नंदलाल सोलंकी और उसके साथी शर्मा ने शादी का झांसा देकर करीब 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। नवीन पिता हेमराज ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत उज्जैन कोतवाली थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने शातिर महिला सोनाली और उसके साथी पर धारा 420-120B के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। इसके बाद मुखबिर सूचना पर निकास चौराहे से शातिर महिला सुनीता और सोनाली को गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी ने बताया कि सुनीता ने जयपुर निवासी शर्मा के साथ मिलकर झूठी शादी रखने का षड्यंत्र रचा था। दोनों ने राजस्थान निवासी नवीन पिता हेमराज को लड़की दिखाई और शादी करवाने के एवज में 1.5 लाख की मांग की और रुपए लेकर शातिर महिला और शर्मा सहित लड़की भी गायब हो गई। इसके बाद अपने साथ हुई धोखाधड़ी का मामला लेकर उज्जैन कोतवाली थाने पहुँचे और शिकायत दर्ज कराई। मामला सामने आया है जिसमें कि एक महिला के द्वारा एक व्यक्ति को झूठी शादी करवा के पैसे ऐंठे गए हैं। एक सितंबर को एक व्यक्ति है नवीन पिता हेमराज दाहिया, ये झुंझुन थाना राजस्थान का जिला राजस्थान का रहने वाला है। इसके द्वारा शिकायत की गई थी कि एक महिला है सुनीता उर्फ सोनाली पिता नंदलाल सोलंकी, इसके द्वारा जो है 1.5 लाख रुपए लेकर एक झूठी शादी करवाई गई है जिसमें उससे पैसे ले लिए गए हैं और वो महिला भी भाग गई और वो साथ में जिसके साथ शादी करवाई थी वो भी भाग गई। इन दोनों जो महिला जो आरोपी महिला है उसको गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पेश किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में एक अच्छा खुलासा हुआ है। इसमें थाना कोतवाली की पूरी जो टीम है जिसमें CSP कोतवाली और उप निरीक्षक मनीष लोधा और आरक्षक दिनेश चौहान, आरक्षक संजय बोहरे, आरक्षक रामबाबू पटेल और महिला आरक्षक नीलिमा जायसवाल, महिला सैनिक ज्योत्सना शर्मा, इन लोगों ने बहुत मेहनत की और इनकी सराहनीय भूमिका रही है जिसके कारण से महिला हिरासत में भी आई है और इस प्रकार के अपराध का पर्दाफाश हुआ है।